राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय पाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे श्री विष्णु भगवान जी ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी पर चढ़ाए हुए तुलसी पत्तों का क्या करें, भोग में रखे हुए तुलसी पत्तों का क्या करें। तो फ्रेंड्स, जिन पत्तों को हम लड्डू गोपाल जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं तो आप उन्हें एक गिलास पानी लेके मुँह में रख कर सटक भी सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते चबाने नहीं चाहिए, वो भगवान का प्रसाद है। आप सटक सकते हैं तो सटक लें पानी से, और नहीं सटक पाते हैं तो आप किसी भी पौधे में उन पत्तों को रख दें इकट्ठा करके। इधर उधर वो पत्ते बिल्कुल ना डालें, क्योंकि वो भगवान के श्री चरणों में चढ़ाए जाते हैं। दूध में, चाय में भी आप उन पत्तों को डाल दें, अगर डालकर पी सकते हैं। लेकिन छानने, अगर आपने चाय में पत्ते डाले हैं तो उन्हें छान के आप वो चाय पत्ती किसी भी पौधे में डाल दें। उन पत्तों को इधर उधर नाली में ना डालें, डस्टबिन में ना डालें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो भी हम तुलसी पर, तुलसी के पत्ते श्री ठाकुर जी को चढ़ाते हैं, लड्डू गोपाल जी को चढ़ाते हैं, उन पत्तों को इकट्ठा करके किसी भी, आपके सामने कोई पार्क है वहाँ रख दे, या तुलसी की मंजरी बीज हम जो अर्पित करते हैं उनको भी आप इकट्ठा करके किसी ऐसे स्थान पर रखें जिससे कि वो आपके हाथों से मिट्टी में ना डलें। किसी दीवार पर रख दें जिससे कि वो, क्योंकि बीज बोए नहीं जाते हैं तुलसी के, इसीलिए ऐसे जो मंजरी हम श्री हरि विष्णु के ऊपर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं प्रभु को, उस मंजरी को भी इकट्ठा करके एक तरफ रख दें, इधर उधर ना डालें, क्योंकि उनमें भगवान का आशीर्वाद होता है। इस तरह से आप इन पत्तों का और तुलसी मंजरी का विशेष ध्यान रखें जिनको हम लड्डू गोपाल जी को अर्पित करते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रिय है, तो उनका अपमान बिल्कुल ना करें और श्री हरि विष्णु भगवान को अर्पित जरूर करें। तुलसी पत्र ठाकुर जी को रोज अर्पित करना चाहिए। और जैसे ठंड है, सर्दियों में तुलसी पत्ते नहीं होते हैं, तो सर्दियों में आप तुलसी माला लाकर तुलसी माला लड्डू गोपाल जी के पास रखें या उनके गले में पहना दें। तुलसी माला आप भोजन में भी, जब हम भोग लगाते हैं, अगर पत्ते नहीं हो तो आप तुलसी माला का प्रयोग भी कर सकते हैं भोग लगाते हुए लड्डू गोपाल जी को। इस तरह से भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं तुलसी माला रखकर। राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय पाल गोपाल की।